नमस्कार, कैसे हैं आप। हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद महाराष्ट्र के महासंग्राम की घोषणा हो गई है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में वोटिंग होगी तो दो फेज में झारखंड में भी। उत्तर प्रदेश के भी 9 विधानसभा में चुनाव होने हैं और 2024 के चुनाव के बाद ये जो रणभेरी है उसके बड़े मायने हैं। कहा जा रहा है कि हरियाणा के चुनाव परिणाम का बड़ा असर महाराष्ट्र के महासंग्राम पर पड़ेगा, लेकिन इस चुनावी तारीख की घोषणा के साथ दरअसल चुनाव आयोग ने जो पत्रकारों के सवाल के जवाब में जो बात कही वो पहली बार विपक्ष की तमाम साजिशों पर कुठाराघात है। चुनाव आयोग ने एग्जिट पोल के साथ टीवी चैनलों के घटिया खेल को भी बेनकाब कर दिया है। कैसे ये घृणित खेल होता है और कैसे चुनाव आयोग कि आंकड़े को झुठलाने की कोशिश की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ये चौंकाने वाली बात कही कि कैसे ऐसे संभव है कि वोटिंग यदि 8:30 बजे सुबह शुरू हुई तो 10 मिनट के अंदर आपको परिणाम आने लगते हैं। Somebody asked about two phases in Jharkhand and one phase in Maharashtra. Do you remember how many phases were in Jharkhand last time? 5. And now you are asking about 2 also. There are factors in Jharkhand which are about the Naxal areas and others. There are concerns, therefore there are 2, and Maharashtra was 1, which is 1. Exit polls. Actually, I didn't want to touch this subject, but since you are asking, exit polls ke aane ki wajah se, एग्जिट पोल्स के एक एक्सपेक्टेशन सेट करने की वजह से एक बहुत बड़ा, लेट मी एक्सप्लेन, एक बहुत बड़ा डिस्टॉर्शन पैदा हो रहा है। ये आप सब लोग यहाँ हैं, ये एक आत्मचिंतन का और आत्ममंथन का भी विषय है प्रेस के लिए, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए। पिछले कुछ इलेक्शन से 2-3 चीजें एक साथ हो रही हैं, अगर हम उसको पूरे कैनवस को एक साथ देखें तो, और ये सबके लिए समझना जरूरी है। पहले एक एग्जिट पोल आता है जिसकी हम उसको गवर्न नहीं करते, जो एस्टेब्लिश्ड रिजीम है, स्टैट्यूटरी एंड जुडिशियल रिजीम, उसमें हम उसको गवर्न नहीं करते, लेकिन एक खुद के आत्मचिंतन की जरूरत जरूर है कि वो उसका सैंपल साइज क्या था, उसका सर्वे कहाँ हुआ, उसका रिजल्ट कैसे आया। अगर मैं उस रिजल्ट से मैच नहीं किया तो मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कहीं कोई डिस्क्लोजर्स हैं कि नहीं है, ये सब देखने की जरूरत है बहुत सख्त। देर आर बॉडीज विच गवर्न दिस, देर इज NBSA, देर आर अदर बॉडीज विच सेल्फ रेगुलेट, एंड आई एम श्योर द टाइम हैज कम that the associations, bodies which govern will do some self-regulation. Because इसी से जुड़ा हुआ दूसरा विषय है जो कि बहुत ही important है। जिस दिन पोलिंग खत्म हुई उससे रफली 3rd डे काउंटिंग होती है, तो आज शाम को 6 बजे से एक एक्सपेक्टेशन राइज हुई, सबने सोचा ये होने वाला है, जिसका कोई साइंटिफिक आधार, जिसका कोई लीक पब्लिक में डिस्प्लेजर में डिस्क्लोजर में नहीं है। जब काउंटिंग का समय शुरू होता है तो 8:05 और 10 मिनट से रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, जिस नॉनसेंस। आप बताइए, मेरी पहली काउंटिंग 8:30 बजे शुरू होती है और हमारे पास प्रमाण है इस बार कि 8:05, 8:10, 8:15 पर आने लगा, इतने की लीड। ऐसा तो नहीं है, आई एम जस्ट पोजिंग क्वेश्चन, वी आर नॉट गॉन इन टू दिस, बट ऐसा तो नहीं है कि एग्जिट पोल को जस्टिफाई करने के लिए वो शुरू में ट्रेंड्स आ गए कि हमने तो ऐसा कहा था वैसे ही ट्रेंड हो रहा है, बाद में जो होगा वो होगा। और अचानक से पहला रिजल्ट एक राउंड का 8:30 बजे जब काउंटिंग शुरू हो रही है तो 9:10, 9:05 से पहले 20 मिनट भी लगेंगे एक राउंड में तो आ ही नहीं सकता।
और हम उसको 9:30 बजे वेबसाइट पे डालते हैं, 9:31 पे एग्जैक्टली, कभी भी देख लीजिए एक के बाद एक, 9:30 पे हम उसको अपनी वेबसाइट पे डालते हैं, फिर 11:30 पे डालते हैं, फिर 1:30 पे डालते हैं। चलिए, आपके कोई कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद थे, उन्होंने पहले बता दिया, प्रोसेस काउंटिंग में रिजल्ट को स्क्रीन पे दिखाना पड़ता है, एजेंट के साइन लेने पड़ते हैं, ऑब्जर्वर से जस्टिफाई कराना पड़ता है, तो ऑफिशियल साइट पे आने में आधा घंटा लग सकता है, लेकिन 9:00 से 9:10 से पहले कैसे आते हैं? और उससे क्या होता है, एक तो एक्सपेक्टेशन है एग्जिट पोल्स की, उसके बाद 9:45 तक मैंने दिखा दिया उसी के मापदंड से कि वो लीड कर रहे हैं लोग, तो वास्तविक रूप से जब वो एक्चुअल रिजल्ट्स आने शुरू होते हैं तो एक मिसमैच होता है, एंड दैट मिसमैच इज ऑल्सो गिविंग दिस कैन लीड टू सीरियस इशूज समटाइम्स, इवन द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड अचीवमेंट इज नथिंग बट फ्रस्ट्रेशन। सो ये एक विषय ऐसा है जिस पर हम तो नहीं, हमारे हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन एक कुछ ना कुछ मंथन की कुछ ना कुछ, एंड आई एम श्योर जब जब इस देश में, जब जब कंट्री में इस तरीके की जरूरत होती है तो एक सेल्फ करेक्शन हो जाता है, तो सभी रिस्पॉन्सिबल लोग इसका सेल्फ करेक्शन जरूर करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। ईवीएम के बारे में आपने फिर से पूछा, बहुत बार मैं बता चुका हूं आपको, थोड़ा समय लगेगा तो फिर से बता देता हूं। 6 महीने लगभग 5-6 महीने फर्स्ट FLC शुरू होती है ईवीएम की, मैं दो बात बता रहा हूं बस, मोटी सी दो बात, बाकी सब आपको मालूम है, वो टेम्पर नहीं हो सकती, उसमें कोई कनेक्शन नहीं हो सकता। अभी लोग पूछते हैं जब पेजर से उड़ा देते हैं तो ईवीएम को कैसे हैक नहीं कर सकते, ये भी पूछते हैं, जब कोई किसी कंट्री में पेजर से उड़ा दिया तो ईवीएम हैक हो जाएगी, अरे भाई पेजर कनेक्टेड होता है, ईवीएम कनेक्टेड नहीं होती। एनीवे, दो बात मोटी मैं आपको बताता हूं, बहुत मोटी। 5-6 महीने पहले FLC होती है, फर्स्ट लेवल चेकिंग ऑफ द ईवीएम्स, और मेरे पास में पूरा रिकॉर्ड है, ये हम जो भी ईवीएम की शिकायतें वाई दी वे आई हैं, वो हमारे पास 20 शिकायतें आई हैं, हर 20 शिकायत का हम इंडिविजुअल जवाब देंगे फैक्ट बाय फैक्ट, सो इसमें कोई डाउट नहीं है, वी विल कन्वे टू ईच कैंडिडेट टू एश्योर, दिस इज अवर ड्यूटी, एक्चुअली हमारी ड्यूटी है कि अगर कैंडिडेट ये पूछ रहे हैं कि आप बताइए तो हम उन्हें बताएंगे, निश्चित रूप से बताएंगे, लिख के बताएंगे, पूरा डिटेल्ड बताएंगे और जल्दी ही बताएंगे, तो आई एम नॉट गोइंग इन इंडिविजुअल केसेस, और उन सबको पब्लिश भी कर देंगे ताकि आप सबको भी पता लग जाए। बट फर्स्ट लेवल चेकिंग, रेंडमाइजेशन, सेकेंड रेंडमाइजेशन, स्टोरेज में रखना, स्टोरेज से बाहर निकालना, कमीशनिंग करना, कमीशनिंग के बाद वापिस स्टोरेज में रखना, फिर उसको पोलिंग डिस्पर्सल के दिन ले जाना, फिर उसको बूथ पे पहुंचाना, बूथ पे पूरा दिन वोटिंग कराना, फिर सील करना, फिर वापस स्टोरेज में रखना, फिर काउंटिंग के दिन निकालना, फिर पूरे दिन दिखाना, इसमें हर समय पर पॉलिटिकल पार्टी या उस कैंडिडेट या उसका एजेंट मौजूद रहते हैं। जब मशीन में कमीशनिंग होती है उस दिन उसमें बैटरी डाली जाती है, पहले आया था, पहले और बहुत सारी चीज़ें आई थी कि वो हैक हो सकती है, उसका वोट इधर डाला तो इधर जा सकता है, कुछ कुछ हो सकता है, ये पहली बार आया। अब हम ये भी सोच रहे हैं कि इससे अगला क्या आएगा, हम नहीं समझ पा रहे इससे अगला क्या आएगा, बट लगता है अगला भी कुछ आएगा, रुकेगा नहीं, मतलब कितनी बार। एनीवे, कमीशनिंग बहुत जरूरी है समझना, वोटिंग से करीब करीब 5 या 6 दिन पहले कमीशनिंग होती है, 5-6 दिन पहले, उस दिन मशीन में सिंबल पड़ते हैं, तो अब मशीन में अभी तक नई बैटरी उस दिन एक डाली जाती है, और सील करके उस बैटरी पे भी कैंडिडेट के एजेंट्स के दस्तखत होते हैं, छोड़िए मशीन पे तो होंगे ही होंगे, हमें भी नहीं पता, हमने भी पता नहीं कब बनाया था ये नियम, हमारे काम आ रहा है अभी कि वो बैटरी पर भी एजेंट के दस्तखत हो। और अब कमीशनिंग के बाद, क्योंकि 5 ही दिन बचे हैं और इसमें सिंबल लोड हो चुके हैं, ये उनके सामने में स्ट्रांग रूम में जाएगी, डबल लॉक लगेगा, 3 लेयर की सिक्योरिटी रहेगी, 3 लेयर की, जिसमें CAPF भी शामिल होगी, मस्ट है, ऑब्जर्वर होंगे, उसके बाद जब वो पोलिंग के डिस्ट्रीब्यूशन के दिन निकलेंगी उस दिन फिर यही प्रोसेस होगा,
सारा प्रोसेस वीडियोग्राफ होगा, यानी वीडियोग्राफ होने के बाद फिर वो फील्ड में पहुंचेंगे, सेक्टर मजिस्ट्रेट साथ में रहेंगे, फिर कैंडिडेट के एजेंट साथ में रहेंगे, फिर वहां पहुंचेगी, फिर कहेंगे भाई देख लो इसको सब ठीक है जो आपको नंबर दिया, हाँ, और उसके नंबर भी सबसे शेयर किए जाएंगे, इस नंबर की मशीन इस बूथ पे जाएगी। फिर जब वो बूथ पे पहुंच गई तो कहें भाई मिला लो आप उसी नंबर की है कि नहीं है, वोट भी डाल के देख लो 50 कि ठीक है कि नहीं है, किसी ने 50 डाले, किसी ने 20 डाले, किसी ने कहा नहीं हमें ठीक है हम नहीं डालेंगे, किसी स्टेज में किसी बूथ पर 20 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 कैंडिडेट हैं, किसी पर 5 ने कम वोट डाले, किसी ने ज़्यादा डाले, बैटरी उसी हिसाब से यूज। फिर पूरे दिन वोटिंग हुई, तब एक एक वोट का हिसाब रखा, फिर बंद हुआ, बंद होने के समय में एंड ऑफ क्लोज ऑफ पोल में फिर से दस्तखत कराए, फिर से हिसाब लगाया कितने वोट पड़े, फिर से फॉर्म 17C दिया उसको, कितना दिखाएंगे, कौन दिखाता है इतना बताइए, कोई एक प्रोसेस कंपेरेटिव बताइए पूरी कंट्री में जहां पब्लिक डिस्क्लोजर 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 पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन इतना अधिक हो, कोई ये बताइए प्रोसेस। उसके बाद में बंद करने के बाद में उसको उसको स्ट्रांग रूम में बंद किया, फिर काउंटिंग के समय निकाला तो एक बैरिकेडिंग लगाई, उस बैरिकेडिंग के बीच में से जाएंगे, इधर उधर से नहीं जाएंगे ताकि कोई मिक्सअप ना हो। अच्छा मिक्सअप कैसे होगा, वो नंबर हमने आपको दिया हुआ है, जब काउंटिंग में पहुंचे तो फिर कहें भाई चेक कर लो, फिर 17C से चेक कर लो, राउंड वाइज राउंड दिस इज हैपनिंग। एंड देर इज ए प्रोविजन फॉर ऑब्जेक्टिंग टू एनी ऑफ द इशू रिलेटिंग टू दिस एट एनी स्टेज विच हैज नॉट हैपेंड। सो हम इंडिविजुअल जिस जिसने वो बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल रोबस्ट है। अच्छा और मैं बताता हूँ आपको, आप पिछले 15-20 इलेक्शन देख लीजिए, इट इज गिविंग रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट डिफरेंटली, जहाँ मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जब पसंद का रिजल्ट ना आए तभी गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। एनीवे हम सबका इंडिविजुअल जवाब देंगे और आपको भी बताएंगे, उसको वेबसाइट पे डलवाएंगे। ये बात कह के दरअसल क्या कहने की कोशिश की है मुख्य चुनाव आयुक्त ने कि अपने गिरेबान में झांकिए, और हार के बाद लगातार ईवीएम पर सवाल करने वालों पर ऐसा कुठाराघात किया है, ऐसा हमला किया है, पेजर से तुलना कर ईवीएम मशीन की तुलना पर जो चोट मारी है चुनाव आयुक्त ने, वो इस देश की जनता को समझने की जरूरत है कि कैसे हारने के बाद कांग्रेस और उसका पूरा इकोसिस्टम ईवीएम पर सवाल उठाकर खेल करता है, और सबसे महत्वपूर्ण एग्जिट पोल का षड्यंत्र क्या होता है, क्या सचमुच एग्जिट पोल की जरूरत इस देश को है, चुनाव आयोग ने इन सब चीजों को किस कदर परत दर परत उघारा है, मुख्य चुनाव आयुक्त की बात उन्हीं की जुबानी जरा सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो आपने देखा मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस तरह से परत दर परत उघार कर रख दिया कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम को, ना सिर्फ ईवीएम पर बल्कि एग्जिट पोल की साजिश पर भी, कि एग्जिट पोल यदि उनके पक्ष में हो जाए तो महो महो, और विपक्ष में हो जाए तो फिर क्या नैरेटिव करते हैं। दरअसल ये पूरा खेल एग्जिट पोल का षड्यंत्र ही राजीव कुमार ने उघार कर रख दिया है।